गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गिरधरदास मुंदड़ा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में पाठ लेंगे 13 नंबर, जिसका नाम है जहाँ पहिया है। जहाँ पहिया है, इस पाठ की मैं आपको पहले रूपरेखा बता देती हूँ। जहाँ पहिया है, पाठ के लेखक है हमारे पी साईनाथ जी, जिनका पूरा नाम है पाल गम्मी साईनाथ जी। इस लेख के द्वारा एक साइकिल आंदोलन की बात करते हैं और तमिलनाडु के क्षेत्र में प्रसिद्ध जिले में किस तरह से महिलाएं साइकिल के पहिए को एक आंदोलन का रूप देती है और किस तरह से वह स्वतंत्र होती है, अपने घर और समाज से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बनती है। साइकिल का पहिया एक साधन के रूप में प्रस्तुत होता है और उसका उपयोग होता है एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में, जहां पर पुरुष प्रधान समाज में पहले स्त्रियों को किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं थी, कोई भी काम करने की या घर से बाहर जाकर कमाने की, लेकिन इस पहिए के ही द्वारा उनमें आत्मनिर्भरता जागी और उन्होंने अपने काम स्वयं करने आरंभ किए। अब वे बिल्कुल स्वतंत्रता से अपने कार्य करती है और उनमें एक नई आज़ादी का अनुभव हुआ है। और इस लेख में तमिलनाडु के एक गरीब जिले में होने वाले सामाजिक परिवर्तन तथा आंदोलन का वर्णन किया गया है। लेखक के अनुसार लोग रूढ़ियों से मुक्त होने के लिए रास्ते चुनते हैं, कई बार वे बहुत अजीब होते हैं। जैसे इस पाठ में जिस जिले के बारे में बताया गया है, उस जिले में अपनी पहचान प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने साइकिल का चयन किया। वहां नवसाक्षर लड़कियों महिलाएं साइकिल चलाती है। लेखक के अनुसार साइकिल चलाने संबंधी इस आंदोलन ने महिलाओं के न सिर्फ आर्थिक पक्ष को मजबूत किया बल्कि उनमें एक नए आत्मविश्वास का संचार भी हुआ। बच्चों, ये है इस पाठ की पूरी रूपरेखा। ठीक है, हम इस पाठ के जरिए देखते हैं आगे। पुंडुकोट्टई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, एक गांव है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुंडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में एक है पुंडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उन्होंने किसे चुना? प्रतीक के रूप में साइकिल को। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के एक चौथाई हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। अभी भी उनमें क्या है? साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुंडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियाँ सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नाम की एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, मुझे पता है कि
जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्बतियाँ कसते थे। फब्बतियाँ मतलब गलत बातें पीछे से बोलना, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। वह नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र औ कन्नी, इन सब की उम्र है 20 वर्ष के आसपास और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में हैं महिलाएं, खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई है, जो नई नई साक्षर होती है, जो नई नई जिनको पढ़ना आता है। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, अगुआ मतलब जो सबसे आगे रहती है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी और अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुंडुकोटे में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहां रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी, अब इस सारे मामले में पुरुषों की क्या राय थी उसके बारे में बताया गया है। इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई।
माना जा सकता है कि इस आंकड़े को दो कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। मुझे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदिम अन्ना मलाइकी चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चिंत आर्थिक निहितार्थ थे, इससे आय में वृद्धि हुई। आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला समय बच जाता है, इसे खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, अब बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती है, फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए, पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, यह बहुत ही महत्वपूर्ण की बात है। साइकिल चलाने के अंतर्गत महिलाओं में सबसे ज़्यादा आत्मसम्मान की भावना व्यक्त हुई, यह महत्वपूर्ण बात है इस पाठ की। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। ये कौन कह रही है? फातिमा। पुंडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं कभी भी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। मतलब कि गाँव की जो औरतें हैं उनके लिए यह बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि उनसे क्या होता है, इनका समय बचता है, ये हर काम आत्मनिर्भरता से कर सकती हैं। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी ही नहीं कर सकती। तो देखिए बच्चों, इस पाठ के जरिए हमारे लेखक पालमी साईनाथ जी ने
किस तरीके से यहाँ पे बताया है कि साइकिल के पहिए को एक आंदोलन का रूप दिया गया और इससे क्या हुआ, इससे महिलाएं स्वतंत्र हो गई और घर और समाज से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बनी। और यहाँ पर जो ये साइकिल का पहिया है ये एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है यहाँ पे, जिससे इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग हुआ है। और यह बड़े आंदोलन के रूप में जहाँ पर पुरुष प्रधान समाज जिसमें स्त्रियों को कोई भी आज़ादी नहीं दी जाती थी, तो इसके अंतर्गत जहाँ पे साइकिल आई तब सभी औरतें क्या हो गई, स्वतंत्र हो गई। वे हर अपने काम को छोटे मोटे काम के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। अब वे कोई भी काम करने की या घर से बाहर जाकर कमाने की उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता थी। कोई भी काम करने की, कोई भी वे अपना कार्य कर सकती थी, लेकिन इस पहिए के द्वारा ही उनमें क्या जगी, आत्मनिर्भरता जगी और उन्होंने अपने काम स्वयं करने आरंभ किए और उन्हें क्या हुआ, उनके जीवन में एक नई आज़ादी का संचार हुआ। अब वे पुराने रीति रिवाजों और रूढ़ियों से मुक्त हो चुकी है और वे स्वयं अपने रास्ते चुन सकती है। तो बच्चों, आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद करती हूँ। ठीक है, अब हम इस पाठ के लेते हैं शब्दार्थ। मैं आपको बता देती हूँ कि इस पाठ के अंतर्गत आपके शब्दार्थ हैं, लेकिन तीन ही शब्दार्थ हैं, तो मैं आपको अलग से बता रही हूँ। ठीक है, आपको यही शब्दार्थ करने हैं। ठीक है, इसमें किताब वाले भी तीन शब्दार्थ हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही लिखे हैं। फब्बती मतलब चोट करने वाली या चुभती बात। ठीक है, यकीन विश्वास। घिसी पिटी जो बहुत दिनों से चली आ रही, मतलब पुरानी। नव साक्षर नई पढ़ी लिखी। स्वाधीनता मतलब आज़ादी। गतिशीलता मतलब प्रगति। अभिव्यक्त प्रकट। प्रतीक निशाने। शिविर सीखने के कैंप, जो कैंप लगता है उसे हम हिंदी में शिविर बोलते हैं जो। ठीक है, अगुआ आगे चलने वाला। रोज़मर्रा प्रतिदिन का काम मतलब रोज़ का काम। पहलुओं पक्ष। आर्थिक धन से संबंधित। इंतज़ार प्रतीक्षा। निर्भर मतलब आश्रित। ठीक है बच्चों, तो आपके ये 15 शब्दार्थ हैं। आप ये 15 के 15 शब्दार्थ अपनी कॉपी में करेंगे और इस पूरे पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सारा काम आपको एकदम सफाई से अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, और इस पाठ के प्रश्न उत्तर का PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप वो कार्य भी अच्छे से करोगे। ठीक है बच्चों, और जो भी काम कराया जा रहा है उसे आप याद भी करेंगे। ओके ओके।